चैनल, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफी बढ़िया होंगे। सो आज की जो वीडियो है, टाइटल थंबनेल आपने देख लिया, काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे, काफी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ना एडी बैंगल्स शेयर करिए या फिर जिसको क्यूबिक जर्कन टाइप के जो बैंगल्स होते हैं, CZ बोलते हैं उसको, तो उस तरीके के बैंगल्स काफी सारे लोग देखना चाहते थे एंड स्पेशली मीशो, क्योंकि ये जो मीशो के बैंगल्स है ना, काफी ज्यादा वायरल बैंगल्स है। इनके जो बैंगल्स हैं वो आप इंस्टाग्राम पे मतलब देख सकते हो इजिली, मतलब बहुत ही ज्यादा वायरल है और बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन है, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन है, एक से बढ़कर एक, और बहुत ही अच्छे अच्छे चूज करके आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ मीशो से एडी एंड CZ बैंगल्स। तो किसको किसको वेट था इसका कमेंट करके बताना, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं काफी टाइम बाद मतलब बैंगल्स लेकर आई हूँ और बैकग्राउंड देख रहे होंगे पूरी तरह से चेंज है। आई थॉट कि कुछ चेंज करते हैं वीडियो में, क्योंकि हर बारी की वीडियो में यही चीज बोलती हूँ कि यार एक ही चीज देख के आप भी बोर होते हो एंड मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ कि क्या एक ही चीज शेयर करूं। बट हाँ, इस बार की जो वीडियो है बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार एंड लेटेस्ट कलेक्शन लेके आई हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अब आने वाला है वेडिंग सीजन जो कि स्टार्ट होने वाला है जस्ट अप्रैल के मिड से। तो काफी सारे लोगों को लाइक परचेस करना होगा बहुत सुंदर से बैंगल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना इस तरीके के जो एडी बैंगल्स होते हैं काफी ज्यादा पसंद आते हैं गोल्डन बैंगल्स की तुलना में। दिखा दी हूँ आपको कि कौन कौन से बैंगल्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक झलक आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितने बैंगल्स आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जैसे कि हर बारी की मैं ऑलमोस्ट 9 to 10 बैंगल्स आपके साथ में शेयर करती हूँ, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत सारे बैंगल्स लेकर आई हूँ, सभी को मैंने अनबॉक्स कर लिया है, अनपैक कर लिया है, क्योंकि अगर अनपैक नहीं करती ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। सो चलिए वन बाय वन दिखाती हूँ आपको कौन कौन से बैंगल्स होने वाले हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला जो बैंगल मेरे पास में है, ये मैंने मुझे लगता है होली से पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये मुझे पसंद आ गया था। इसका रीजन ये था ऑर्डर करने का इसको इतनी जल्दी, क्योंकि मैं इसको खोना नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और ये मेरे पास में ना रहे, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया था और इसको मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया है। तो अगर शॉर्ट्स वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाइए चेकआउट कीजिए। तो इसको मैं डिटेल में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं ये वाले बैंगल्स। तो ये ब्यूटीफुल सिल्वर राजवाड़ी कड़ा है, राजवाड़ी काइंड ऑफ कड़ा, और बहुत ही सुंदर है गाइज। मतलब इसकी शाइन अगर आप देखोगे, मतलब एक भी ऐसा बैंगल नहीं होगा जिसमें शाइन ना हो, और नेक्स्ट लेवल वाला शाइन है। मतलब बहुत ही सुंदर है लाइट में जाने के बाद में, तो क्या ही कहना इनका, मतलब इतनी ज्यादा ही सुंदर लगते हैं अगर आप देखेंगे, बहुत ही प्यारे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि इसकी कितनी शाइन है, बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं, हाथों में जाने के बाद में इनका लुक बहुत ही सुंदर आता है। मैंने इसीलिए इस वाले हाथ में कुछ पहना नहीं है, जस्ट कि आपको दिखा सकूं कड़ों को कि कितने ये खूबसूरत लगते हैं हाथों में जाने के बाद में। अगर सिंगल कड़ा भी आप डालते हैं, क्योंकि सिंगल कड़ा मुझे लगता है ज्यादातर सुंदर लगेंगे, कि सूट्स वगैरह के साथ में बहुत ही प्यारा लुक आएगा इनका। सो ये है पहले बैंगल जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, मतलब आंख बंद करके आप इसको खरीद सकते हैं। मैं मतलब इतना आपको विश्वास दिला रही हूँ कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी से होगी। हाँ, बस ये है कि जिस सेलर से मैंने इसको मंगवाया है उसी सेलर से आप इसको ऑर्डर कीजिएगा, और सभी के जो लिंक है एंड कोड है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना मत भूलिएगा। इसको मैं चूड़ियों के साथ में लगा के दिखाती हूँ कि ये चूड़ियों के साथ में कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो रेड चूड़ी जो कि अपने आप में बहुत सुंदर लगती है, और रेड चूड़ी के साथ में इनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ग्रेट लगता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है, वाओ, जस्ट वाओ, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं। इसके बहुत सारे और भी शेड्स थे, आई थिंक गोल्डन भी था, रोज गोल्ड भी शायद था इसमें, और गोल्डन भी आप ले सकते हो, गोल्डन और भी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में है। ये थोड़ा सा कॉस्टली था उससे, बट 280 रुपीज में ये आपको मिल जाता है, प्राइस इसकी 280 है। सो बहुत ही अच्छे बैंगल्स हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। ओके, नेक्स्ट मैं बैंगल्स की जो बात कर रही हूँ ना, ये मुझे एक ही सप्लायर से रिसीव हुआ है, JVSC करके कोई सप्लायर है, तो वहां से मैंने मंगवाया है दोनों के दोनों बैंगल्स, और ये दोनों बैंगल्स ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। इनकी प्राइस मैं बताऊं तो 1324 यानी 1324 रुपए में मुझे ये दोनों रिसीव हुआ है। सिंगल सिंगल की बात करें तो
629 में एक मुझे रिसीव हुआ है, 652 में दूसरा रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से ये मुझे रिसीव हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों बैंगल्स कैसे लगने वाले हैं, कैसे दिखने वाले हैं। सो इस तरीके से बॉक्स में आया हुआ है, ये देख सकते हैं। अब एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे कि ये कैसे लगते हैं। सो पहला बैंगल मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई थिंक आपने देखा भी होगा इसको मीशो पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा वायरल बैंगल्स हैं और इनका यूज आप कोई भी चूड़ा सेट बनाने के काम में ला सकते हैं। दुल्हने तो मतलब डेफिनेटली इसको बाय करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये शाइन काफी ज्यादा है, बहुत शाइन कर रहा है ये, क्योंकि एडी बैंगल्स हैं, जाहिर सी बात है शाइन करेंगे। सीजेड जो क्यूबिक जर्कन होता है वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसको अगर चूड़ी के साथ में अगर मैं लगा के दिखाऊं, डिजाइन अगर आप देखेंगे, डिजाइन इसकी कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। मैं बैक कैमरे से भी दिखाने वाली हूँ। अंदर साइड में आपको कहीं से लगने का कुछ भी नहीं है डर, क्योंकि बहुत ही प्लेन है, अंदर से कुछ भी ऐसा निकला नहीं है। एंड बाहर की तरफ से तो आप देख ही सकते हो, बीच में बहुत ही सुंदर सा ऐसे जर्कन की एक लाइन है, एंड साइड साइड में इस तरीके से ये जर्कन लगा हुआ है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ पहनने के बाद में ये कैसे लगते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, सिंगल भी अगर आप डालते हैं तो क्या ही कहना, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अगर चूड़ियों के साथ में अगर आप इनको डालते हैं तो चूड़ियों के साथ भी बहुत सुंदर लगने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ चूड़ियों के साथ ये कैसे लगेंगे। सो इतनी ही चूड़ियाँ डालते हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, इतनी चूड़ियों के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे लगने वाले हैं। ये देखिए कितनी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब किसी भी कलर की अगर आपने साड़ी पहनी हुई है, चाहे वो कंट्रास्ट में, जैसे पिंक के साथ ही बहुत सुंदर लग रहा है, चाहे वो आप ग्रीन के साथ पहनो या फिर आप येलो के साथ पहनो, रेड कलर की चूड़ियों के साथ में बहुत ही ज्यादा प्यारे, बहुत ही ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा शाइन करने वाले। हाँ, प्राइस की मैं बात करूँ तो 652 या मतलब 6.5 के अंडर में आपको मिलेगा ये, और थोड़ा सा कॉस्टली है बट क्वालिटी वाइज मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले बैंगल की, जो कि साथ में ही आया हुआ है, तो उसकी बात करते हैं। ओके, इसका जो सेकंड वाला बैंगल है उसको खोल के देखते हैं कि ये कैसे रिसीव हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इस तरीके का बैंगल होने वाला है। इसके डिजाइन देखेंगे तो एकदम हटके डिजाइन है, बहुत ही यूनिक अलग से डिजाइन। मुझे लगता है कि मैंने जब इसको स्क्रीन पे देखा था तो इसकी जो डिजाइन थी वो कुछ अलग थी, मतलब पूरा ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे ये जो पूरा एड़ी नग लगा हुआ है ये पूरे में था, मतलब इसमें थोड़ा सा आप स्पेस देख रहे होगे बीच बीच में, बट ये स्पेस नहीं था उसमें, उस डिजाइन में पूरा भर के वो जर्कन लगा हुआ था, बट इसमें न जाने क्यों ऐसा डिजाइन है, बट ये डिजाइन भी अच्छी लग रही है। शाइन इसकी भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छी वाली शाइन है, बहुत ही सुंदर लगेगा हाथों में जाने के बाद में, एकदम यूनिक लुक आने वाला है इसका। मैं आपको कैसे दिखाऊं, इसको पहन के दिखा देती हूँ ऐसे ही ये कैसे लगेंगे हाथों में। सो इस तरीके का कुछ लुक आएगा, सिंगल सिंगल अगर आप बीच में चूड़ियां डालोगे इस तरीके से, बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक लुक आने वाला है इसका। तो मैं आपको दिखा देती हूँ चूड़ियों के साथ, क्योंकि इतना मजा नहीं आ रहा है, मैं चूड़ियों के साथ दिखाती हूँ उसको कैसा लग रहा है। या तो ये मेरे पास रही कैची, मैं इसको काटती हूँ और इसको अलग करती हूँ, दिखाती हूँ आपको चूड़ी। इसको मैं ना येलो चूड़ियों के साथ में दिखाती हूँ कि ये कितने प्यारे लगते हैं। ये जो चूड़ियाँ हैं ये भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जर्कन का काम है चूड़ियों में, प्लेन चूड़ियाँ नहीं यूज़ की है मैंने। तो ये देखिए कुछ ऐसा सा इसका लुक आएगा जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये तो रहा कि येलो कलर के साथ में ये कैसा जाएगा, बाकी अगर आप रेड के साथ में मतलब डालेंगे ना इसको, तो रेड के साथ में तो और भी ज्यादा ये मस्त लगने वाला है, बहुत ही सुंदर लगेगा। डिजाइन बहुत यूनिक है, अगर डिजाइन पसंद आ रही है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और मैंने ना मतलब बहुत सर्च किया था मीशो पे, एकदम अलग ढूंढने की कोशिश की थी कि कुछ अलग दिख जाए जिससे कि आपको भी मजा आए मतलब वीडियो देखने में, और ऐसी डिजाइन में ना शेयर करूं जो कि बहुत कॉमन है और जो कि आपने देख रखी होगी काफी टाइम। तो इसलिए मैंने ना ढूंढ ढूंढ के निकाला है मीशो से। मैं आपको रेड के साथ भी इसको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगता है। सो रेड के साथ भी वाव, रेड के साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये है नेक्स्ट लेवल का बैंगल, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। जिनकी शादी होने वाली है, जो ब्राइड टू बी है ना, उनको तो बिल्कुल मतलब आंख बंद करके खरीदना चाहिए इसको, बहुत ही ज्यादा सुंदर। बात करते हैं नेक्स्ट बैंगल्स की।
ओके, अब जो नेक्स्ट बैंगल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, ये तो मतलब इसकी पैकेजिंग देख करके ही मैं इसकी फैन हो गई। मतलब पैकेजिंग इसकी बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वेलरी आई है, तो उस तरह की कुछ पैकेजिंग है इसकी। ये देखिए पिंक एंड येलो के कॉम्बिनेशन में ये बॉक्स है, और ये जो बैंगल है ये है ब्यूटिफुल CZAD जो भी बोल दें, ऑक्टो स्टडेड रोज गोल्ड प्लेटेड एडी बैंगल्स। मतलब ये ऑक्टो स्टडेड मतलब कि इसमें बहुत सारे कलर्स जो है वो यूज किए गए हैं, काफी मतलब मल्टी कलर बोल सकते हैं, और रोज गोल्ड इसकी प्लेटिंग है। सो दिखाते हैं आपको कौन से ये बैंगल्स होने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। जब मैंने इसको खोला ना, मुझे इतने ये प्यारे लगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सुंदर रिसीव होंगे मुझे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वाले बैंगल्स सबसे ज्यादा अच्छे लगे, और क्योंकि एक से बढ़कर एक है सारे के सारे बैंगल्स। किसी बैंगल को आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये वाले बैंगल्स सुंदर नहीं है, मतलब सारे के सारे बैंगल्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इनको अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर पास साइड में देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे कलर्स इसमें यूज किए गए हैं, जो स्टोन का यूज किया गया है, जैसे ग्रीन, पिंक, पिस्ता कलर, ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, इस तरीके से बहुत सारे कलर्स का यूज किया गया है। और बीच में जो डिटेलिंग आप देखोगे ना, छोटे 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 एडी जर्कन का यूज किया गया है, जो कि बहुत शाइन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। डिजाइन देखोगे तो एकदम अलग हटके डिजाइन है, तो इनको अगर मैं पहन के आपको दिखाऊं ना, बहुत ही सुंदर लगेंगे। प्लेटिंग इनकी रोज गोल्ड है, आप चाहो तो इसमें का सिल्वर प्लेटिंग भी मिल जाएगा आपको, या तो फिर आपको सिल्वर मिलेगा एंड गोल्ड भी मिल सकता है, लेकिन मैंने जो पिक किया है वो है रोज गोल्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस साड़ी के साथ में ना मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है, सिल्की साड़ी है, बट इसके साथ भी ये कह डा रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिंगल भी आप डाल सकते हो, और अगर आप मन करें तो आप चूड़ियों के साथ भी इसको पहन सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको दो की क्वांटिटी में मंगवाते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, एंड मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा पैसे पे करना, मतलब अगर आपको शौक है, अगर आप पहन सकते हो तो आप पे कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा 759 रुपीज में, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली है, और 750 रुपए में ये दो जो है आपको बैंगल्स रिसीव होते हैं। मतलब अगर आप दोनों हाथों के लिए लेते हो तो आपको जो है लगभग लगभग 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 1500 रुपए में आपको दोनों हाथों के ये बैंगल्स रिसीव होंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर है, क्वालिटी वाइज बहुत अमेजिंग है। डिटेल में दिखाऊंगी तो इस तरीके से है, बहुत ही सुंदर है गाइस, क्या ही कहना, मतलब मैं तो इतनी फैन हो गई। और मैं सच में बता रही हूँ, मुझे ना ये सारे बैंगल्स इतने प्यारे लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है मुझे सब कुछ मैं रख लूँ, इन सारे बैंगल्स को रख लूँ। मीशो की अमेजिंग क्वालिटी निकल के आ रही है, स्पेशली बैंगल्स की, और मैं इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ कि मतलब बैंगल्स की वीडियोस तो आप लाइक करते हो, साथ ही साथ में मुझे भी इतना अच्छा लगता है आपके साथ में शेयर करना एक से बढ़कर एक डिजाइन। सो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट बैंगल्स। ओके, अगले बैंगल्स की मैं बात करूं तो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग है इसकी, और अनिल भाई चूड़ी वाला, ये सप्लायर का नाम है शायद, और ये है ट्रेंडी एडी कंगन, जो कि गोल्डन टोन में मैंने लिया है, इसका सिल्वर भी आपको मिल जाएगा। ये चूड़ा में स्पेशली जो है वो यूज करते हैं, काफी दिनों से वायरल ये बैंगल्स है, जो कि आपने बहुत देखा होगा। मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि इन बैंगल्स को जिसने ना देखा हो, जो बैंगल्स के फैन है वो तो जरूर देखे होंगे। एक्चुअली क्या था ना, ये बहुत अच्छे से प्लास्टिक में रैप हो गया था ताकि ये फंसे ना कहीं, क्योंकि ये बबल रैप है, वो मुझे प्लास्टिक काटनी पड़ी, क्योंकि काटने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे आपको दिखाना था, दैट्स वाई। सो ये बैंगल्स अगर आप देखेंगे ना, डिजाइन आप देख करके पहचान गए होंगे, बहुत ही सुंदर इसके डिजाइन है, यूनिक डिजाइन है, चूड़ा बनाने के काम में बहुत ज्यादा लाया जाता है। और सच में गाइज, मैं एक बात आपको और बता देती हूँ, इनको अगर मैं चूड़ियों के साथ में दिखाऊं, आपको पहन करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं। इनमें अगर डिटेलिंग की बात करूं, डिटेलिंग बीच बीच में ऐसे फ्लावर बने हुए हैं साइड साइड में, इस तरीके से छोटे छोटे, मतलब डिटेलिंग में क्या ही बताऊं आपको, देख लो खुद ही कि ये कैसे लगते हैं। ऐसे कुछ इनकी डिजाइन होने वाली है, और चूड़ियों के साथ में ये कैसे लगते हैं, तो कुछ पर्पल चूड़ियां मैंने ली हैं, और इनके साथ में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगने वाले हैं। सो कुछ ऐसा सा इसका लुक है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली साड़ी के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि साड़ी का जो आंचल है ना वो पर्पल कलर में है, सो ये
बहुत अच्छे से जाएंगे साड़ी के साथ में। और देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसमें शाइन कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। मिक्स एंड मैच करके भी आप बहुत अच्छे से इनके साथ में चूड़ा का पूरा सेट बना सकते हैं, दुल्हने अगर चाहें तो बहुत अच्छा सुंदर सा सेट तैयार कर सकते हैं। और हाँ, सेट से याद आया, अगर आप चाहते हो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ आप डेफिनेटली चाहते हो कि मैं आपके साथ में चूड़ियों का सेट शेयर करूँ जस्ट इन्हीं बैंगल्स के साथ में, तो शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। काफी अच्छे अच्छे मतलब चूड़ियों के सेट मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि आज तक के ना मैंने अभी अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने एडी बैंगल्स शेयर किए हैं, मतलब एडी बैंगल्स आज तक के मैंने शेयर किए नहीं, हमेशा मैं गोल्डन या फिर एंटीक राजबाड़ी इस तरीके के बैंगल्स मैंने शेयर किए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ये इस तरीके के एडी एंड ZCZ बैंगल्स शेयर कर रही हूँ। और इनके साथ में चूड़ियों का लुक कैसा लगने वाला है वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वेट करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो का, काफी यूनिक और दमदार वीडियो लेकर आऊंगी सुंदर सुंदर डिजाइन। सो ये है नेक्स्ट बैंगल्स, डेफिनेटली अच्छे लगेंगे आपको। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। ओके, तो इस बैंगल्स को जब मैं शेयर कर रही हूँ मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, मतलब इस बात पे कि ये जो बैंगल्स है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब इस हॉल के सबसे ज्यादा कॉस्टली बैंगल्स हैं, मतलब 799 ऑलमोस्ट 800, तो 800 की ये बैंगल्स होने वाले हैं। पैकेजिंग अगर आप देखेंगे तो एकदम टूटी हुई है और पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन बैंगल्स की मैं बात करूँ ना, बैंगल्स बहुत सुंदर हैं। और इन बैंगल्स को अगर मैं बताऊँ कि कौन से बैंगल्स होने वाले, तो ये है ABCW AD अनकट वर्क सिल्वर वर्क कंगन, जो कि है 799 में, मतलब सिल्वर है, सिल्वर में है ये। अब देखिए इन बैंगल्स की क्वालिटी एंड इन बैंगल्स के डिजाइन, ओ माय गॉड, बस यही निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। शाइन अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर है, डिजाइन अगर आप देखेंगे बहुत ही यूनिक हटके डिजाइन होने वाली है। आप देख रहे हो इनकी शाइन कितनी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शाइनी है और इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हाथों में जाने के बाद, तो बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं, कुछ हटके डिज़ाइन होने वाले, एकदम अलग। जब मैंने इनको मीशो पे देखा था मुझे लगा था यार ये तो मुझे पक्का ऑर्डर करना है, चाहे वो जितना भी महंगा हो, मतलब 799 काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आई नो, लेकिन मुझे आपके साथ में शेयर करना था, मुझे दिखाना था कि हाँ एक्चुअल में ये कितने सुंदर हैं। और इनको मैं अगर बैंगल्स के साथ में पहन के दिखाती हूँ, कुछ मिक्स एंड मैच करते हैं, वैसे तो मैं इनके साथ में आपको दिखाऊंगी डिजाइंस शेयर करूंगी, इस तरीके से प्यारे से सुंदर से बैंगल्स लगने वाले हैं। वाओ, कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, देख रहे हो आप, बहुत ही प्रिटी हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब स्पीचलेस हूँ मैं पूरी तरह से, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और सच में अगर आप मंगवाते हो ना तो आपको भी इतने ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं कि मतलब क्या ही कहना। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, एंड मैंने ना 3-4 बैंगल्स और ऑर्डर किए थे एडी में ही जस्ट, बट वो आउट ऑफ स्टॉक थे, मुझे रिसीव ही नहीं हुए, लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, शानदार थी। बट कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट, अगर आप इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करोगे ना, डेफिनेटली मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आऊंगी, क्योंकि ये आप इसको समझो पार्ट वन है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे बैंगल्स हैं। एंड अगर आपने इस वीडियो को ढेर सारा लाइक किया तो डेफिनेटली पार्ट टू लेकर आऊंगी मैं, बहुत सारा लाइक चाहिए मुझे, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, सब्सक्राइब करोगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगे, स्पेशली कंगन बैंगल्स बहुत अच्छे अच्छे। अगर आपको बैंगल्स पसंद आते हैं, मेरे डिजाइन अच्छे लगते हैं, सो डेफिनेटली चेक दिस आउट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैंगल्स की। ओके, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली जो बैंगल शेयर की उसको मैंने बोला कि वो सबसे महंगा था इस हॉल का, और ये वाला जो है ये सबसे सस्ता है इस हॉल का, मतलब कि ये वाले जो आपको मिल जाएंगे ये हैं 246 रुपीज में, सिल्वर ADCZ स्टोन बैंगल्स पैक ऑफ 8। ये मैंने बैंगल हब से मंगवाया है, बैंगल हब्स के बैंगल जो बैंगल होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं, शानदार बहुत ही, और इनकी शाइन क्या ही बोलूँ मैं, मतलब शाइन के बारे में तो बोल ही सकती, स्पीचलेस हो जाती हूँ जब भी मैं शेयर करती हूँ। सो मैं दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड, यस, सो ये देखिए आप कितने ज़्यादा सुंदर बैंगल्स होने वाले हैं, ओ माई गॉड, मतलब ये वाले बैंगल्स ना, इनकी शाइन पहले आप देखो,
कुछ मत देखना, सिर्फ शाइन देखना कि ये कितने शाइनी है, कितने सुंदर लगेंगे हाथों में जाने के बाद में। किसी भी पार्टी में अगर आप जाते हो इनको पहन करके ना, मतलब चार चांद लगने वाला है, इतने ये सुंदर लगने वाले हैं। चूड़ियों के बीच में अगर आप डाल करके इनको पहनते हो, दिखाती हूँ आपको कि ये कितने ज्यादा सुंदर लगेंगे चूड़ियों के साथ में। कुछ इस तरीके का इनका लुक आने वाला है। कुछ इस तरीके का इनका लुक आएगा अगर आप चूड़ियों के साथ में इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहनते हो। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा आपके साथ में शेयर किया है डिजाइन, बट अगर आप प्रॉपर इसका सेट बनाते हो, चूड़ियों के बीच में लगाते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही शाइन करेगा। शाइन के मामले में A1 क्वालिटी है इनकी, बहुत ही अच्छी है। डेफिनेटली इसको भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर बैंगल्स हैं ये। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। अब जो बैंगल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, ये बैंगल नहीं बोलेंगे इसको, कड़ा बोलेंगे, ब्रेसलेट टाइप ऑफ बैंगल है ये। इसको ना आप सिंगल ऐसे हाथों में पहन सकते हो सूट के साथ में, या फिर किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे ये। अगर आपने कोई भी जीन्स वगैरह स्कर्ट वगैरह डाला है तो भी ये अच्छे लगेंगे हाथों में। कुछ इस तरीके के डिजाइन है ये, देखो आप। ये भी मीशो पे काफी सारे लोगों ने इसको देखा होगा, ये काफी पॉपुलर ब्रेसलेट मुझे लगता है कंगन है ये। 248 रुपीज में आपको मिल जाता है और डिजाइन इसकी कुछ हटके होने वाली है, देखेंगे एकदम क्लोजली तो ये राउंड में इस तरीके का यहाँ पे जरकन लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे अमाउंट में लगा हुआ है और काफी ज्यादा शाइन करता है। और ये वाले जो है ये इस तरीके से लीफ बनी हुई है जो कि सिल्वर में, मतलब ये जरकन नहीं है लेकिन ये सिल्वर में ऐसी लीफ बनी हुई है। डिजाइन कुछ इसकी थोड़ी सी मुझे इसलिए भी पसंद नहीं आई क्योंकि अंदर के साइड में इस तरीके से मुड़ा हुआ है तो पहनने में थोड़ी इसको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको मंगाना होगा तो अपने साइज की एक साइज बड़ा मंगवाएगा, मैंने 28 ही मंगवाया था बट पता नहीं क्यों मुझे 26 रिसीव हुआ है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन हाँ ये हाथों में जाने के बाद में सुंदर लगते हैं अगर आप देखेंगे तो। सिंगल भी अगर आप इनको डालेंगे तो काफी अच्छा इसका लुक आने वाला है, सुंदर लगेंगे ये और हटके डिजाइन होने वाली है, लीफी डिजाइन। डेफिनेटली इसको भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। ये पूरा जो काम है ये गोल्डन जरकन से काम किया गया है एंड जरकन काफी सुंदर है, मतलब बहुत ही अच्छे अमाउंट में यूज किया गया है तो बहुत शाइन करता है। ये है नेक्स्ट बैंगल्स। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैंगल्स की। और ये वाले जो बैंगल्स है ये आपको मीशो पे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो बैंगल्स हैं आई थॉट कि मैं आपके साथ में शेयर कर दूं, अगर आपको कहीं दिखते हैं ऑनलाइन तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, बट मैंने इनको ऑफलाइन लिया है जस्ट अपने लोकल मार्केट से। और ये वाले बैंगल्स भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे मुझे, दैट्स व्हाई मैं मार्केट गई थी और मुझे ये बहुत ही प्यारे लगे। डिजाइन तो कॉमन है ठीक है, लेकिन जो इनके ऊपर जरकन का काम हुआ है ना ये मल्टी कलर में हो रखा है तो जैसे जैसे ये लाइट पड़ती है वैसे वैसे ये बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं। चूड़ियों के साथ में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, इन पर्पल चूड़ियों के साथ भी मैंने देखा था तो काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे किसी भी कलर की चूड़ी के साथ में ना, क्योंकि ये मल्टी कलर के इनके जो जरकन है मल्टी कलर में, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे हाथों में जाने के बाद में। अगर रेड कलर की बात की जाए, रेड कलर के साथ में तो रेड कलर के साथ भी बहुत सुंदर लगेंगे, इस तरीके का कुछ इनका लुक आएगा। ज्यादा ज्यादा अमाउंट में अगर आप पहनते हो अपने हाथों में तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपको दिखता है ऑनलाइन तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, अगर नहीं दिखता है तो कोई बात, मैंने मीशो से इसको नहीं लिया है, मीशो पे हो सकता है ना मिले। ये थे कुछ मेरे बैंगल्स के कलेक्शन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफी ज्यादा प्यार दोगे आप इस वीडियो को। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत अलग डिजाइन आपके साथ में शेयर किया है और आगे भी अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, बहुत सारा मुझे लाइक चाहिए, अगर आप लाइक करते हो, अगर आप शेयर करते हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एंड सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो मैं और भी वीडियोस जरूर लेकर आऊंगी इससे से रिलेटेड। कमेंट करके बताइएगा आपको और किस टाइप के बैंगल्स देखना है मीशो से रिलेटेड, तो डेफिनेटली शेयर करूंगी आपके साथ में। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।